मिट्टू कचौड़ी खा के देखो कैसी बनी है, और पूरी न ले जाओ। हाँ स्वाद पता है कैसी बनी है। Hi to family, आपका स्वागत है बबीता किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर की कचौड़ी। मैंने एक पाव मटर लिया, चार पांच हरी मिर्च ली, दो तीन लहसुन कलियां ली, एक कटोरी मैंने आटा लिया, जीरा लिया, एक चम्मच डालेंगे तेल, हम डालेंगे जीरा, जीरे को अच्छे से बन जाने देंगे, जीरे को अच्छे से बन जाने देंगे, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च डालेंगे, मटर उसको मिला लेंगे अच्छे से। जब तक फ्राई कर रहेंगे तब तक हमारी ये मटर सॉफ्ट नहीं हो जाती है, मटर को ऐसे ही चलाते चलाते मटर को सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी मटर, उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, एक चम्मच डालेंगे रिफाइंड जो हमारे क्रंची सी हो जाए पूरी कचौड़ी हमारी, हल्की सी मिर्च डालेंगे जो हमारा आटा थोड़ा चटपटा सा हो जाए, आटा थोड़ा ढीला मारना कचौड़ी के लिए तो टाइट आटा ना मारें, और हमारा आटा गुन गया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दे रहे हैं, जो हमारा सॉफ्ट हो जाएगा आटा। अब हमारी मटर हो गई तैयार, अब इसको ठंडी हो जाने दे रहे हैं, इस तरीके से मटर हो जाए हमारे। अब हमारी मटर तैयार हो गई, तो हम गैस बंद कर दे रहे हैं, इसको ठंडे होने के बाद पीस लेंगे, डालेंगे जार में, उसको पीस लेंगे इस तरीके से। अब हमारी मटर पिस गई है इस तरीके से, निकाल ले रहे हैं। अब सारे में पेड़ ऐसे ऐसे बना लेंगे, पेड़ एक करिए ऐसे रख लेंगे, दूसरा भी बना लेंगे, एक बराबर बना ले रहे हैं, तो कचौड़ी हमारी दूसरा भी बना लिए। और हमारी सारी बॉल बन के हो गई हैं तैयार इस तरीके से, सारी बन गई हैं बॉल, और इसी कटोरे में हम बॉल को डाल ले रहे हैं। अब हम बॉल ले लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से बॉल ले लेंगे, अब इसको ऐसे से करेंगे, इस तरीके से बॉल बना लेंगे जो हमारी अच्छी से फीलिंग भर जाए। उसमें एक बॉल रखेंगे इस तरह, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से हम भर लेंगे, ऐसे भर लेंगे सारी, इसी तरीके से हम भर लेंगे, ऐसे हम दूसरी भी ले लेंगे, हम दूसरी भी इसी तरीके से भरेंगे, दूसरी भी हमने भर ली, दूसरी भी भर ली। अब हम डालेंगे कचौड़ी, उसको धीमी धीमी आंच पे पकने दे रहे हैं, कमी गैस है, बहुत कम ही तेल डाल रही, अब हमारी कचौड़ी बनके तैयार हो गई, फुली फुली क्रंची क्रंची सी। इस तरीके से मैं सारी कचौड़ी बना लूँगी। अब हमारी कचौड़ी बनके हो गई तैयार, फुली फुली और क्रंची क्रंची सी बनके हो गई तैयार पूरी। अब एक हम तोड़ के दिखाएं पूरी, देखो कितनी क्रंची सी बनी हमारी पूरी, ये देखो इस तरीके से, ये हमारी अच्छे से फीलिंग भरी है कचौड़ी में इस तरीके से। मिट्टू कचौड़ी खा के देखो कैसी बनी है, और पूरी न ले जाओ। हाँ स्वाद पता है कैसी बनी है। मिट्टू कचौड़ी पसंद आई है ना।
हमारी मटर कचौड़ी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।